क्या वो लोग मुंबई के रस्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है जो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है, उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। फिर जो लगता है 15 फरवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहां, तब मैंने एक नाम का जिक्र किया था, सुमित कुमार नरवर। बार बार मैं उस बारे में पूछ रहा हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, कि एक सामान्य आदमी बुलंदशहर का दूध बेचता था और 4-5 साल में उसकी प्रॉपर्टी 8,000 करोड़ से ऊपर चली गई। अब वो मलबार हिल में रहता है, पहले उसको कहां भी रहने को घर नहीं था। अब वो व्यक्ति नोएडा में रहता था, उसका मलबार हिल में अब बड़ा आशियाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है इनकम टैक्स ने? वो चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखे। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, कौन किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास।